देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जहां केंद्र सरकार द्वारा 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करें बिलासपुर जिला की, तो जिले में 18 से 45 साल के बीच 2 लाख लोग 1 मई से टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग डाटा इकट्ठा कर मंडी स्थित जोनल अस्पताल को भेजेगा ताकि 1 मई से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो सके। गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में टीकाकरण अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने 45 साल से अधिक आयु के 75% लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ दिया है, जबकि आगामी 10 दिनों में 25% का टारगेट अचीव कर 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा कि 45 साल से अधिक आयु के 1,10,000 को कोरोना का टीका लगाया जाना था, जिसमें 70,500 लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। काफी संख्या में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के करीब 2 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जो कि जिला के सभी सब हेल्थ सेंटर पीएचसी सीएचसी व जोनल अस्पताल में लगेगा, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस अभियान में युवा भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं कोरोना मरीजों की जानकारी देते हुए डॉक्टर परविंदर ने बताया कि जिला में अभी 526 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 460 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है, जबकि 66 मरीज डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में एडमिट हैं। वहीं होम आइसोलेट मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर भी दिए गए हैं, जिससे कोरोना मरीज रोजाना अपना ऑक्सीजन लेवल व बॉडी टेम्परेचर की जानकारी हेल्थ वर्कर को भेजता है। इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स समय समय पर होम आइसोलेट लोगों को दवाइयां मुहैया करवाकर उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है इसकी भी जानकारी देता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन को लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अभी तक हम 70,500 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं जो 45 साल से ऊपर हैं, और इनकी कुल संख्या जिला में 1,10,000 के आसपास है। तो टोटल हमने 75% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन का एक इंजेक्शन तो लगा दिया है, और काफ़ी लोगों को दोनों डोजेज इसकी लग चुकी हैं, और इसके लिए हमने बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं। ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे लगभग सारे हेल्थ सब सेंटर, जो कि हेल्थ सिस्टम की एक छोटी इकाई होती है, जो एक गांव में या दो गांव का एक हेल्थ सब सेंटर होता है, उस लेवल तक हमने ये इंजेक्शन जो है टीकाकरण किया है। तो इस वजह से हर सब सेंटर में हफ्ते में 2 दिन, आयुर्वेदा डिस्पेंसरी में भी बुधवार को यानी हफ्ते में 1 दिन, हर पीएचसी में हफ्ते में 2 दिन, और बाकी जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे सारे दिन 7-8 दिन हफ्ते में ये इंजेक्शन लगते हैं। तो चूंकि ये हमने बहुत ज़्यादा जगह पे ये इंजेक्शन की व्यवस्था की थी, इसी वजह से हमारा जो टारगेट हमने काफ़ी जल्दी अचीव करने की ओर जा रहे हैं। बाकी जो 25% लोग 45 साल से ऊपर वाले बचे हुए हैं, उम्मीद है इन 10 दिनों में वो भी अपना जो फर्स्ट डोज लगा लेंगे, और इस तरह से हमारी 45 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही ये बयान दिया है कि 18 साल से ऊपर के जो जितने लोग हैं उनको भी अब ये टीका लगेगा, तो उसके लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे पास टीकाकरण जो केंद्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और हम सक्षम रहेंगे कि हम सारे जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या लोग हैं सबको टीका लगा सकें। और जहाँ तक इनकी कुल संख्या का प्रश्न है, वो 2 लाख के आसपास ये पॉपुलेशन होगी, और इनको भी हम आने वाले समय में जैसे ही गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होगी उसी गाइडलाइन के मुताबिक टीका का इनको कोविड वैक्सीन का लगाएंगे। एक्टिव केसेस जिला बिलासपुर में अभी 526 हैं, और ये जो 526 एक्टिव केस हैं इनमें से ज़्यादातर लोग 460 लोग हैं जो अभी अपना अपना होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं, और बाकी जो व्यक्ति हैं वो कोविड केयर सेंटर या कोविड हॉस्पिटल में इनका इलाज चला हुआ है।